आपको पता होगा कि रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, जिसमें मुख्य पात्र में नजर आए थे। इसमें अरुण गोविल, सुनील लहरी, दीपिका चिखलिया, दारा सिंह, अरविंद त्रिवेदी, विजय अरोरा और पद्मा खन्ना जैसे कई कलाकार ने किरदार निभाया था। आज हम आपको रामायण की शूटिंग के दौरान की कुछ अनदेखी दुर्लभ तस्वीरें दिखाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। आज छोटे पर्दे पर VFX और ग्राफिक्स का इस्तेमाल आम होता है, पर उस जमाने में ग्राफिक्स और VFX के जगह नीले और हरे पर्दे का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि आप अरविंद त्रिवेदी यानी रावण को पुष्पक विमान के साथ देख सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने सीता का स्वयंवर उत्सुकता के साथ ना देखा हो, पर क्या आपने शूटिंग के दौरान की यह तस्वीरें देखी है जिसमें रामानंद अरुण गोविल यानी राम को सेन समझाते नजर आ रहे हैं। शायद आपको पता ना हो कि राम और रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी और अरुण गोविल एक बेहद ही अच्छे दोस्त हैं, और इनकी दोस्ती के सबूत के तौर पर शूटिंग के दौरान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर उस एपिसोड की है जब राम ने रावण का वध करके अयोध्या पुनः आवागमन किया था, और उस समय शूटिंग के दौरान कुछ इस तरह का माहौल था। रामायण में एक ऐसा सीन भी आया था जिसमें राम को एक्टिंग करने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसे रामानंद ने काफी समय तक समझाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण के अधिकतर हिस्से की शूटिंग रात में ही होती थी। आपको बता दें कि रामायण की शूटिंग मुंबई में ना होकर गुजरात में की गई थी, जिसमें उन्हें जूनियर आर्टिस्ट भी गुजरात से लिए गए थे, और रावण यानी अरविंद त्रिवेदी जैसे कलाकार भी गुजरात की देन है। वैसे दोस्तों, रामायण में काम करने वाले कलाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।